वेलकम टू मधुस ऑनलाइन रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे हरे नारियल से ट्राई कलर्स के लड्डू, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है, टेस्ट भी लाजवाब है और इसके सारे सामान हमारे घर में ही हमें मिल जाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर से दबाएँ। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने कोकोनट लिया है, ये हमारे हाफ के जी जितना है, लगभग 4 नारियल। इसका पीछे वाला हटा दिया है और धो करके हमने इसे अच्छे से सुखा लिया है। अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। बड़े टुकड़ों को इस तरह से बीच में से काट के इसका छोटा छोटा टुकड़ा और कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें अब आगे ब्लेंड करना है। ये देखिए, हमने पूरा हिस्सों को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम जार में डाल करके इसे हम पल्स रेट पर आगे करके इस तरह से हम आगे पूरा दरदरा कर लेंगे, पल्स पे कर करके चलाएंगे। और उसके बाद में इसे हम बार बार चलाएंगे, मिक्स करेंगे फिर चलाएंगे, ताकि हमारा पूरा एक बराबर हमारा पाउडर बन करके फाइन तैयार हो जाएगा। फिर से इसमें हम जार में डाल के, ये देखिए इस तरह से हमने बार बार इसे चला करके फिर मिक्स किया है, ऐसा हमने पाउडर बनाया है। ये देखिए, मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पाउडर बनना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लड्डू जो बनाएंगे उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा। अब पानी बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं डालना है, बिना पानी के ही हमें करना है। ये बाकी जो था उसका भी हमने पूरा हमने नारियल को पीस करके जिस पैन में हम सेकेंगे या कढ़ाई जिसमें भी आप करें उसमें आप निकाल लें। ध्यान रहे, कढ़ाई अगर आप लेते हैं तो उसका बेस नीचे का भारी लें। पहले 10 मिनट इसे हम खाली इसी तरह से भूनते रहेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी जो है, जो दूध जो रहता है कोकोनट का, वो पूरा जल जाए। अगर उसमें पानी रहेगा तो हमारे लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए कितना खुला हुआ सा दिखेगा थोड़ा आपका ये अब हम लोग का 10 मिनट हो चुका है लगभग, हमने फ्लेम को कम कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे मिल्क पाउडर, जो नॉर्मल जो मिल्क पाउडर आता है बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, वो वाला हमने लिया है। यहाँ पर हमने 3/4 कप लिया, मतलब एक कप से 1/4 कप कम। उसको अब हम इसके अंदर नारियल जो है हमारा उसमें हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, एकदम भी उसके लम्स नहीं रहने चाहिए। सेकते सेकते हम उस लम्स को पूरा उसमें नारियल में मिला देंगे। अगर नहीं मिले तो आप अपना हाथ से अगर चाहें तो उसको पूरा क्रश करके मिला लीजिए, अच्छे से वो मिल जाना चाहिए। इसके साथ में लेंगे हम लोग आधा कप जितनी मलाई, घर में जो मलाई दूध पर आती है वही वाली हमने ली है। यहाँ पर हम घी मावा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, हमारा मलाई और जो मिल्क पाउडर वही यहाँ पर मावा का काम करेगा। अब हम फिर से हमारी जो फ्लेम है उसको मीडियम पे करके इसे फिर से सेकेंगे, ताकि जो मलाई और जो डाले हैं और जो मिक्स करेंगे अभी, तो थोड़ा सा फिर से ये हमारा जो कोकोनट है वो थोड़ा सा गीलापन सा हो आ जाएगा। तो उसे हम फिर से लगभग 5 मिनट के आसपास इसे हम सेकेंगे। इस तरह से पूरा अच्छे से मिलाते हुए मिल्क पाउडर और सबको अच्छे से एक समान हम लोग का सब चीज़ हो जाना चाहिए, उस तरह से मिलाते हुए इसे हम लगातार चलाते हुए हम इसे सेक लेंगे। ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे जितना नारियल है उसका आधा हम यहाँ पर चीनी लेंगे। मैंने यहाँ पे देसी खंड यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे चीनी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसका पाउडर यूज़ करिएगा, ताकि वो आसानी से जल्दी उसमें मिल जाए। अब उसे फिर से हम मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से, ताकि चीनी उसमें पूरी अच्छे से मिल जाए। फ्लेम हम फिर से हमारा मीडियम कर लेंगे। चीनी जैसे जैसे गर्म होगी वो अपना पानी छोड़ेगी और हमारा जो नारियल का है जो मिक्सचर, वो फिर से थोड़ा सा गीलेपन में आएगा। एक्स्ट्रा गीला नहीं रहेगा, फिर भी थोड़ा सा गीला होगा, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। अब उसे हम फिर से लगातार हिलाते रहेंगे जब तक कि वो थोड़ा स्टिफनेस हमें अपने आप, जब आप हिलाएंगे तो उसमें आपको स्टिफनेस सा फील होगा। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1/4 जितना टीस्पून जितना इलायची का पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ये अच्छे से हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे। अब जैसे जैसे ये सीखेगा इसकी कंसिस्टेंसी जो थोड़ी सी स्टिफनेस इसमें आने लगेगी, जब आप हिलाएंगे तो आपको लगेगा थोड़ा टफ हो रहा है इसको हिलाना। अब यहाँ पर उस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसको लेकर के हाथ में देख लेंगे। ध्यान रखिए गर्म है थोड़ा, उस हिसाब से आप करिए। ये देखिए अपने आप शेप में एकदम बैठ रहा है, मतलब ये हमारा हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक 3 प्लेट ली है, अब इसके अंदर हम लोग लेंगे 2-2 चम्मच जितना डेसिकेटेड कोकोनट, जो सूखा वाला जो कोकोनट आता है पाउडर, वो वाला लेंगे। 2 टेबलस्पून जितना हमने यहाँ पर ले लिया है 3 प्लेट में। अब एक के अंदर में तीनों प्लेट में हम अलग अलग हमें
इसमें फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पे येलो फूड कलर यूज़ किया 3 से 4 बूंद। अब उसे डालते ही से तुरंत फटाफट उसे कोकोनट के साथ हम मिक्स करेंगे ताकि वो पूरा कलर उसमें सब में एक बराबर आ जाए। ये देखिए इस तरह से लगातार मिलाते हुए पूरे में वो कलर अपने आप आ जाएगा। ये देखिए ये हो गया है। अब सेकंड वाले में हम लोग डालेंगे ग्रीन कलर, फिर से वही 3 से 4 ड्रॉप। अगर आपको कम लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं कलर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। करके हमारा हम लोग जो कोकोनट है उसको कलर कर लेंगे। ये हमारा ग्रीन कलर तैयार हो गया है। थर्ड वन को हम इसी तरह से वाइट में ही रखेंगे। हम 3 कलर के बना रहे हैं इसलिए वाइट, येलो एंड ग्रीन। अब हमने थोड़ा सा उसमें से ले लिया है, हमारा थोड़ा ठंडा भी हो गया है नारियल का। अब उसे लेकर के इस तरह से हाथ के उंगली से सारे से उसे गोल गोल करेंगे, फिर हथेलियों लेकर के इस तरह से बॉल की तरह उसे घुमाएंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट शेप आ जाएगा उसका। ये देखिए कितना इसका टेक्सचर, देखिए कितना स्मूथ एकदम दिख करके आ रहा है। इस तरह से आगे हम लड्डू सारे बना लेंगे उसमें। इसी तरह से देखिए आपको फिर से दिखा रही हूँ, गोल ऐसे करके हम करेंगे एकदम राउंड परफेक्ट एकदम बॉल आ जाता है। इस तरह से अगर जब हथेली के बीच में हम लोग उसको राउंड करेंगे तो बहुत सुंदर उसका शेप बैठ करके आ जाता है, एकदम बॉल जैसा आ जाएगा राउंड हमारा। और हाथ देखिए हमारा कितना चिकना है, इतना मतलब उसमें बिना घी डाले भी इतना है। अब जो एक पीस है उसको हम लोग लेंगे एक कलर के अंदर में येल्लो में, आगे उसके ऊपर इस तरह से रोल करूँगी तो वो पूरा पूरा उसके ऊपर चिपक जाएगा। ये हमारा केसरिया लड्डू तैयार हो गया है इस तरह से। अब जो दूसरा है एक, उसमें वाइट डेसिकेटेड जो हम लोग का प्लेन है उसका ले लेते हैं। इसी तरह से सेम रोल करते हुए राउंड राउंड उसके करते हैं। ये हमारा मिल्की हो गया। अ थर्ड वन है जो हमारा ग्रीन, उसको हम लोग पिस्ता का जैसा नाम दे देते हैं। ये हमारा पिस्ता लड्डू हो गया है। इसमें टेस्ट नहीं है, खाली हमारा कलर ही है। ये हमारे इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू हम बना लेंगे सेम प्रोसेस रिपीट करके। ये तैयार हो गए हमारे वाइट मिल्की, पिस्ता लड्डू एंड केसरिया लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर एक आप खाएंगे तो आपका मन बार बार इसे खाने का करेगा जरूर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।